सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। गंगा सागर भारत के तीर्थों में एक महातीर्थ है। गंगा जी इसी स्थान पर आकर सागर में मिलती है। इसी स्थान पर राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष प्राप्त हुआ था। यहाँ मकर संक्रांति पर बहुत बड़ा मेला लगता है, जहाँ लाखों श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए आते हैं। कहते हैं यहाँ संक्रांति पर स्नान करने पर 100 अश्वमेघ यज्ञ और 1,000 गौदान करने का फल मिलता है। भारत की नदियों में सबसे पवित्र गंगा नदी है, जो गंगोत्री से निकलकर पश्चिम बंगाल में आकर सागर में मिलती है। गंगा का जहां सागर से मिलन होता है, उस स्थान को गंगा सागर कहते हैं। इसे सागर द्वीप भी कहा जाता है। यह स्थान देश में आयोजित होने वाले तमाम बड़े मेलों में से एक गंगा सागर मेला के लिए सदियों से विश्व विख्यात है। हिंदू धर्म ग्रंथों में इसकी चर्चा मोक्ष धाम के तौर पर की गई है, जहां मकर संक्रांति के मौके पर दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु मोक्ष की कामना लेकर आते हैं और सागर संगम में पुण्य की डुबकी लगाते हैं। काफी वर्षों के बाद राजा सगर के पौत्र राजा भगीरथ कपिल मुनि से माफी मांगने पहुंचे। कपिल मुनि राजा भगीरथ के व्यवहार से प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि गंगा जल से ही राजा सगर के 60,000 मृत पुत्रों का मोक्ष संभव है। राजा भगीरथ ने अपने अथक प्रयास और तप से गंगा को धरती पर उतारा। अपने पुरखों के भस्म स्थान पर गंगा को मकर संक्रांति के दिन लाकर उनकी आत्मा को मुक्ति और शांति दिलाई। यह स्थान गंगा सागर कहलाया, इसलिए यहाँ स्नान का इतना महत्व है। गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में आयोजित होने वाले सबसे बड़े मेलों में से एक है। इस मेले का आयोजन कोलकाता के निकट हुगली नदी के तट पर ठीक उस स्थान पर किया जाता है, जहां पर गंगा बंगाल की खाड़ी में मिलती है, इसलिए इस मेले का नाम गंगा सागर मेला है। यह मेला विक्रमी संवत के अनुसार प्रतिवर्ष पौष मास के अंतिम दिन लगता है। यह मकर संक्रांति का दिन होता है। भगवान के समक्ष शर्त रखी कि ऐसे में भगवान विष्णु को उनके पुत्र रूप में जन्म लेना होगा। भगवान विष्णु ने शर्त मान ली और कपिल मुनि का जन्म हुआ। फलतः उन्हें विष्णु का अवतार माना गया। आगे चलकर गंगा और सागर के मिलन स्थल पर कपिल मुनि आश्रम बनाकर तप करने लगे। इस दौरान राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ आयोजित किया। इसके बाद यज्ञ के अश्वों को स्वतंत्र छोड़ा गया। ऐसी परिपाटी है कि ये जहां से गुजरते हैं वे राज्य अधीनता स्वीकार करते हैं। अश्व को रोकने वाले राजा को युद्ध करना पड़ता है। राजा सगर ने यज्ञ अश्वों की रक्षा के लिए उनके साथ अपने 60,000 पुत्रों को भेजा। अचानक यज्ञ अश्व गायब हो गए। खोजने पर यज्ञ अश्व कपिल मुनि के आश्रम में मिले। फलतः सगर पुत्र साधनारत ऋषि से नाराज हो उन्हें अपशब्द कहने लगे। ऋषि ने नाराज होकर उन्हें शापित किया और उन सभी को अपने नेत्रों के तेज से भस्म कर दिया। मुनि के श्राप के कारण उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिल सकी। काफी वर्षों के बाद राजा सगर के पौत्र राजा भगीरथ कपिल मुनि से माफी मांगने पहुंचे। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में स्थित इस तीर्थ स्थल पर कपिल मुनि का मंदिर है, जिन्होंने भगवान राम के पूर्वज और इक्ष्वाकु वंश के राजा सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार किया था। मान्यता है कि यहाँ मकर संक्रांति पर पुण्य स्नान करने से मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। मान्यता है कि गंगा सागर की तीर्थ यात्रा सैकड़ों तीर्थ यात्राओं के समान है। हर किसी को यहाँ आना नसीब नहीं होता। इसकी पुष्टि एक प्रसिद्ध लोकोक्ति से होती है, जिसमें कहा गया है, सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। हालांकि
यह उस जमाने की बात है जब यहाँ पहुँचना बहुत कठिन था। आधुनिक परिवहन और संचार साधनों से अब यहाँ आना सुगम हो गया है। ऐसी मान्यता है कि ऋषि मुनियों के लिए गृहस्थ आश्रम या पारिवारिक जीवन वर्जित होता है, पर विष्णु जी के कहने पर कपिल मुनि के पिता कर्दम ऋषि ने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया, पर उन्होंने विष्णु भगवान के समक्ष शर्त रखी थी कि ऐसे में भगवान को उनके पुत्र रूप में जन्म लेना होगा। सुंदरबन निकट होने के कारण गंगा सागर मेले को कई विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। तूफान व ऊंची लहरें हर वर्ष मेले में बाधा डालती है, परंतु परंपरा और श्रद्धा के सामने हर बाधा बौनी हो जाती है। गंगा के सागर में मिलने के स्थान पर स्नान करना अत्यंत शुभ व पवित्र माना जाता है। गंगा सागर के संगम पर श्रद्धालु समुद्र देवता को नारियल और यज्ञोपवीत भेंट करते हैं। समुद्र में पूजन एवं पिंडदान कर पितरों को जल अवश्य अर्पित करना चाहिए। गंगा सागर में स्नान दान का महत्व शास्त्रों में विस्तार से बताया गया है। स्थानीय मान्यता अनुसार जो युवतियां यहां पर स्नान करती हैं, उन्हें अपनी इच्छा अनुसार वर तथा युवकों को स्वैच्छिक वधु प्राप्त होती है। अनुष्ठान आदि के पश्चात सभी लोग कपिल मुनि के आश्रम की ओर प्रस्थान करते हैं तथा श्रद्धा से उनकी मूर्ति की पूजा करते हैं। मंदिर में गंगा देवी, कपिल मुनि तथा भगीरथ की मूर्तियां स्थापित हैं। इस द्वीप में ही रॉयल बंगाल टाइगर का प्राकृतिक आवास है। यहाँ मैनग्रोव के दलदल, जलमार्ग तथा छोटी छोटी नदियां, नहरें भी हैं। बहुत पहले इसी स्थान पर गंगा जी की धारा सागर में मिलती थी, किंतु अब इसका मुहाना पीछे हट गया है। अब इस द्वीप के पास गंगा की एक बहुत छोटी सी धारा सागर से मिलती है। यहाँ अलग से गंगा जी का कोई मंदिर नहीं है। गंगा सागर गंगा नदी और बंगाल की खाड़ी का मिलन स्थल है। गंगा सागर वास्तव में एक टापू है जो गंगा नदी के मुहाने पर है। यहाँ काफी आबादी है। यहाँ पूरी तरह से ग्रामीण इलाका है। यहाँ की भाषा बंगला है। यहाँ पर रहने के लिए होटल मिलते हैं, साथ ही यहाँ विभिन्न मतों के अनेकों आश्रम धर्मशालाएं भी हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यहाँ के विकास के लिए प्रयत्नशील है। हाल ही में उन्होंने यहाँ का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया था। गंगा सागर की काया पलट में जुटी मुख्यमंत्री ने बताया कि जल्द गंगा सागर के लिए मुरी गंगा में ब्रिज का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए उनकी केंद्र सरकार से भी बात हो चुकी है। इस ब्रिज के बनने के बाद लोगों को जलपथ से नहीं आना पड़ेगा। इस ब्रिज के बनने से श्रद्धालु सड़क मार्ग से कचुबेरिया तक आ सकेंगे। इसके अलावा जल मार्ग में होने वाली दुर्घटनाओं से भी बचा जा सकेगा।